प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल को आएंगे भारत। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आतंकियों के लिए काल बने सीसीटीवी, आतंकियों की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्षर नागपुर में लॉन्च। दिल्ली हिंसा को लेकर यूपी में भारी अलर्ट, बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस सतर्क। यूपी में गर्मी का कहर, सोमवार से फिर चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, जहां सीएम योगी के गोरखपुर का आज दूसरा दिन है। वहीं सीएम योगी ने हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्या सुनी। इसी के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आज, और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि शनिवार को सीएम योगी ने गोड़ धोइया नाले की सफाई का निरीक्षण किया था। देश में एक बार फिर दो समुदायों के बीच हिंसा की घटना हुई है। इस बार घटना राजधानी दिल्ली में हुई है। बीते दिनों हनुमान जयंती का मौका था, दिल्ली में कई जगह पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान सड़क पर भी उतरे और पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लोगों को एक जगह पर जमा कर आगे बढ़ने से रोका। साथ ही पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार तक देखे गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 7 लोग घायल हुए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिर लू की स्थिति बन रही है। राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल से फिर दो दिन लू से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में आज 17 अप्रैल 2022 को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है। इस बीच 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर और आजमगढ़ के DM बदले गए हैं, दोनों का तबादला हुआ है। विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के नए DM नियुक्त किए गए हैं, वहीं अब मेघा रूपम हापुड़ के DM होंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ के DM बदले गए हैं। आजमगढ़ के DM अमृत त्रिपाठी हटाए गए हैं, वहीं सीतापुर के DM विशाल भारद्वाज को आजमगढ़ का DM बनाया गया है। इसके अलावा हापुड़ के DM अनुज सिंह को सीतापुर का DM बनाया गया है, वहीं मेघा रूपम को DM हापुड़ बनाया गया है। इसके पहले मेघा मेरठ में अपर आयुक्त थी।
खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी में बेखौफ बदमाशों ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगातार हो रही फायरिंग से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले पर एसएसपी एम मुनिराज के मुताबिक दिल्ली निवासी संजय कुमार को गोली मार दी गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिला था, ठेला मोड़ पर एक जंगल के आसपास में एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा है। वो मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचा है एफएसएल टीम के साथ। मौके पर एक्स्ट्रा हेलमेट भी दिखाई पड़ा, गाड़ी वगैरह गिर पड़ी है और उसका पैकेट से उसका आइडेंटिटी वगैरह पहचान हुआ, वो दिल्ली के रहने वाला है और बाकी सब चीज़ हम लोगों ने वेरीफाई करवा रहा है। उसके घर वालों को सूचना दे दी हम लोगों ने और उसका पीएम रिपोर्ट ले बाड़ी भेज दी हम लोगों ने और बाकी मैंने एसपी सिटी और सीओ साहिबत का टीम गठित कर दिया है उसका आइडेंटिफिकेशन। खबर गाजीपुर से है, जहां कंपोजिट विद्यालय रेक्सना में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की ओर से शिक्षकों को डराया धमकाया गया है, जहां कुछ दिन पहले 8 से 10 लोगों के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पहुंचे थे और एसएमसी अकाउंट के चेक के लिए प्रधानाचार्य और टीचरों पर छात्रों के सामने अभद्र टिप्पणी की। वहीं प्रिंसिपल का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। मामले में जिलाधिकारी ने एबीएसए को जाँच के आदेश दिए हैं। एबीएसए को बोला हुआ है मैंने, एबीएसए देखते हैं, अगर ये शिकायत सही होगी तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डीएम साहब को एप्लीकेशन देने के लिए जो प्रधान जी द्वारा हमारे विद्यालय में हमको फ़ोन पे धमकी दिया गया और उसके बाद हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों को 10 गुंडे लेकर गए 11 तारीख को और 9 बजे करीब में और वहाँ पर पूरा धमकाया, गाली गलौज किए और बोले तुम लोग ठीक से रहो और एसएमसी अकाउंट का अगर पैसा चेक। आईपीएल 2022 में आज दिन के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस गंवाने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 विकेट पर 189 रन बनाए। वहीं आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक ने नाबाद 66 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने 55 रन बनाए। दिल्ली के गेंदबाजों की मैच में जमकर धनाई की, साथ ही हालांकि दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 173 रन ही बना सकी। टीम की ओर से डेविड वार्नर ने 66 और पंत ने 34 रन बनाए। आरसीबी की ओर से हैजल वुड ने 3 विकेट चटकाए। उत्तर प्रदेश में पारा 7वें आसमान पर है और ऐसे में आग का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। लगातार तमाम जिलों से आग के कोहराम की खबरें सामने आ रही हैं। हमीरपुर, कानपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, रायबरेली और लखनऊ से आग के मामले सामने आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से अंबेडकर नगर, देवरिया, हमीरपुर, कानपुर, रायबरेली, लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिला है। बीते दिन इन 6 जगह पे आग ने अपना विकराल रूप दिखाया। देवरिया में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने पेपर लीक मामले में बलिया के पत्रकारों को फर्जी रूप से जेल भेजने के खिलाफ और रिहाई के लिए नगर में प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी सलेमपुर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद खबर छापने के विरोध में जिला प्रशासन ने पत्रकारों को टारगेट कर उनके खिलाफ कथित रूप से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जिनके विरोध में प्रदेश भर के पत्रकारों ने अपने जनपद में आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदर्शन में संगठन के जिला उपाध्यक्ष राम नवल सिंह और संयुक्त मंत्री रामू यादव सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। फरुखाबाद में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है और बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। तालाब की भूमि पर बने अवैध गेस्ट हाउस को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवाया। कंपिल नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह की ओर से कराए गए निर्माण की जिला प्रशासन ने जांच की और जांच के बाद अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। वहीं कार्यवाही के दौरान एसडीएम गौरव शुक्ला, सीओ शोहराव आलम और के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा।
खबर अलीगढ़ से है, जहां तापीय विद्युत कासिमपुर पावर हाउस परियोजना में किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को नहीं बदला गया, जिससे किसानों को पिछले 4 साल में उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। लगातार शिकायत करने के बाद और 4 बार पैमाइश के बाद भी किसानों को उनकी जमीन या मुआवजा नहीं मिला है, और जब किसान अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो थाना जवां की पुलिस किसानों को जेल में डालने की धमकी देती। इसी मामले में मायूस किसान परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनशन पर बैठ गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।